आ जाओ आ जाओ भाई, ताजी ताजी मिठाई लेने के लिए दिवाली के मौके पे रेट भी सस्ता कर दिया। 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो दिवाली स्पेशल मिठाई। अरे लालू जी, मिठाई बेचने के लिए मैं अकेला ही आवाज लगाता रहता हूँ, गला बैठा जा रहा है आवाज लगाते लगाते। तुम क्यों नहीं लगाती हो आवाज? अरे तुम मेरे मिठाई की दुकान में पार्टनर हो, तुम क्यों नहीं लगाती हो? बिजनेस पार्टनर हो तुम मेरे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, अपने गांव में वो पुराना कुआं है, उसका ठंडा ठंडा पानी पी लिया, गले में खराशे पड़ गई, इसीलिए बोल नहीं पा रहा हूं, तुम ही आवाज लगाते रहो। अरे मोदी जी, तुमने लालू जी को मिठाई की दुकान में पार्टनर बना लिया, बिजनेस पार्टनर। अरे मेरा बेटा राहुल, ये देखो खाली बैठा है, इसे बना लेते तो क्या था तुम्हारा। मैंने तुमसे कहा भी था कि आगे कोई भी काम करो तो मेरे बेटे को उस काम में पार्टनर बना लेना, बिजनेस पार्टनर। और राहुल, तू कहाँ कच्ची दीवार पर बैठा रहता है, ये किसी दिन कच्ची दीवार गिर जाएगी, उतर इस पे से। अरे मम्मी जी, तुम भी इनसे कह रही हो, मैं कितनी बार कह चुका हूँ किसी काम में मुझे लगा लो, लगा लो। लगाते हैं, अकेले अकेले काम करते रहते हैं, और अगर लगाते हैं तो लालू जी को लगा लेते हैं काम में, कभी अखिलेश को लगा लेते हैं, मुझे कभी नहीं लगाया काम में अपने साथ। अरे राहुल और सोनिया जी, तुम तो अपनी अपनी कहते रहते हो, कम से कम मेरी भी तो सुनो। मैंने लालू जी को इस मिठाई की दुकान में पार्टनर ऐसी थोड़ी बनाया, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। अरे इनके पास भैंस है और इनकी भैंस दूध बहुत देती है, उसी दूध से ही तो ये मिठाई बन रही है। उस दूध से हम खोया बनाते हैं, खोए से बर्फी बनाते, उसके घी से देसी घी के लड्डू बनाए। ये देखो लड्डू है सामने, ले लो कुछ। अरे मिठाई लेने के लिए लगता है योगी जी और अखिलेश आ गए। क्या लोगे योगी जी और अखिलेश? अरे मोदी जी, तुमने लालू जी के साथ में मिठाई की दुकान खोल ली, हमें भी साथ में लगा लेते इस मिठाई की दुकान में, हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? तुम्हारी मिठाई में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, ये लड्डू क्या रेट दिए और बर्फी का रेट बताओ? प्योर देसी घी के लड्डू है, लालू जी की भैंस का देसी घी है ये, 100 रुपए किलो, बिल्कुल दिवाली के मौके पर बेच रहा हूँ। वैसे तो 250 रुपए किलो बेचता हूँ मैं, और बर्फी भी ताजे दूध की है, बिल्कुल बर्फी 150 रुपए किलो। अखिलेश तुम कुछ नहीं लोगे, कैसे बुत बने खड़े हो? अरे मोदी जी, जेब थोड़ी गर्म नहीं है, जेब में पैसे कम है, ये जलेबी दे देना, जलेबी क्या रेट दे रहे हो? लड्डू और बर्फी तो अपने बस की बात नहीं है, बड़ा महंगी है लड्डू बर्फी। चलो अगर जेब में दम नहीं है तो जलेबी ले लो, जलेबी 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ। और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दीजी मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तुम अकेले अकेले कोयले के काम पर लग गए, मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी काम मिले तो मेरी भी बात कर लेना, लेकिन तुमने अकेले ही अकेले काम पे लग गए और अखिलेश को भी लगा लिया। देखो योगी जी, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, इस टाइम सबको अपनी अपनी पड़ी है, काम कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं, बेरोजगारी फैली हुई है समझे। अरे मुझे ही बड़ा मुश्किल से काम मिला है, अखिलेश अपना जुगाड़ उसने खुद लगाया है, कोई मैंने थोड़ी लगवाया है अखिलेश को। और कोयले के काम तुम ना करो तो ही ठीक है, बहुत बुरा काम है, बड़ा मेहनत है, हाथ पैर काले हो जाते हैं। अरे 20 रुपए का तो साबुन लगता है हाथ मुंह धोने में, कोयले के काम पर तुम मन लगो। अरे कोयले के काम पर मैं क्यों ना लगूं मोदी जी, ये बताओ तुम नहीं कर रहे हो? तुम उससे ज्यादा मजबूत हो, अरे मुझे क्या कमजोर समझ रखा है तुमने? अरे मैं भी लगूंगा काम पर, अरे अपने मिल मालिक से बात करना कि मुझे भी काम पे लगा ले, लगवा दो मुझे भी काम पर। अरे तुम्हारी इतनी बात नहीं मानेगा मिल मालिक, मुझे मालूम है तुम्हारी मानता है, लेकिन तुम मुझे लगाना ही नहीं चाहती हो अपने साथ। अखिलेश तुम ही लगवाओ मुझे काम पर, ये मोदी जी तो नहीं लगवाएंगे काम पर, ये तो अकेले ही अकेले काम करना चाहते हैं समझे, लगाना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल। तुम लगवाओ, तुम किस तरीके से लगे हो, तुमने कौन सा जुगाड़ फांसा था? अरे योगी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं भी कहां पे लगाऊं, राहुल छुट्टी पर गए हुआ है, अपने गांव गए हुआ है, 2 दिन के लिए गांव गया हुआ था, उसी की जगह पे काम पे लग गया हूँ मैं 2 दिन के लिए। अरे 2 दिन बाद राहुल आ जाएगा, मुझे हटना पड़ेगा, मैं तुम्हारी तरह खाली हो जाऊंगा, बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगा जैसे तुम खाली फिर रहे हो। तो अखिलेश इसका मतलब तुम परमानेंट नहीं लगे हो, तुम राहुल की जगह लगे हुए हो क्यों? अरे मैं समझ रहा था तुम परमानेंट हो, चलो कम से कम तुम भी साथ बेरोजगार तो हो। अरे योगी जी मोदी जी सही कह रहे थे, ये कोयले का काम वैसे भी नहीं करने का है, मैं भी छोड़ ही दूंगा समझे, चाहे राहुल आए चाहे ना आए, मैं तो इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूँ आज। अरे बहुत मेहनत है इसमें, हाथ पैर बिल्कुल काले हो जाते हैं, और साबुन खर्च होता है अलग, जो अभी मोदी जी बता रहे थे। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लालू जी, अखिलेश बहुत दिन बाद आपका आना हुआ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था लालू जी कि आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि आप शहर में जाकर बहुत अमीर आदमी बन गए और मैं गांव में सिर्फ 1 बीघा खेती करके गुजारा करता हूँ। हालांकि अपना लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अपनी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी झोपड़ी में मुझसे मिलने आओगे।
मोदी जी कैसी बात करते हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात कहकर आप अपनी मित्रता को अपमानित कर रहे हो। अरे अगर मैं शहर में जाकर ज्यादा कमाने लगा, बहुत अमीर आदमी बन गया, तो अपनी मित्रता खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैंने सोचा तुम तो कभी शहर में मिलने के लिए मुझसे आओगे ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी पे खुद मिलने चला आया। तो लालू जी बाहर क्यों बैठी हो, अंदर जाके खटिया पे बैठो। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, मुझे यहीं नीचे बैठ जाने दो। आपको मालूम होना चाहिए हम भी तो गांव में रहे हुए हैं। गांव में आपके साथ हमने इसी धरती से पूरा बचपन काटा है। आपकी और मेरी मित्रता के मैंने सुना है लोग आज भी किस्से सुनाते हैं। देखो राहुल का घनिष्ठ मित्र अखिलेश भी उससे मिलने के लिए आया। अखिलेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अंदर जाके बैठते हैं, खाट पर बैठते हैं। राहुल भैया मुझे आपके साथ बैठ जाने दो, मुझे आपके साथ बैठकर स्कूल के मुझे बचपन के दिन याद आ गए। अखिलेश तुम तो शहर में जाके बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन तुम्हें बचपन के पोते नहीं आते। जब अपना दोनों लोग मिलकर केजरीवाल जी के आम के पेड़ से आम तोड़कर चुपके से खाते थे। राहुल पुराने दिन याद करने के लिए तो पूरा दिन है, आज लालू जी को और अखिलेश को जाने थोड़ी देंगे। झोपड़ी में जाके जलपान का इंतजाम करो, जलपान पिलाओ इन दोनों को। मैं भी खेत पर काम करने जाने वाला था, अब खेत पर काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। राहुल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ घड़े का ठंडा पानी ले आओ, घड़े का ठंडा पानी पीकर ही हमें मजा आ जाएगा। मोदी जी आपको अपने बचपन के पोते याद है, जो अपना दोनों लोग राजनाथ सिंह जी की बेरी के पेड़ तोड़ते थे। मोदी जी कभी कभी मुझे लगता है शहर से सब कुछ बेचकर आपके साथ यहीं पे गांव में आके बस जाऊं। नहीं लालू जी, तुम्हारा शहर में इतना बड़ा बिजनेस है तो वहीं पे अपना काम करते रहो। मोदी जी शहर में काम तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है, सुकून तो मुझे आपके पास आकर ही मिला। मैं शहर को छोड़कर आपके यहाँ झोपड़ी में ही रहूंगा, रखोगे मुझे अपने साथ? अरे लालू जी कैसी बात करती हो, जब चाहे जब तुम आ सकती हो, तुम्हारे लिए मेरी झोपड़ी के द्वार हर टाइम खुले हुए हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।